बिशुनपुर प्रखंड में टाना भक्तों एवं पढ़ा समाज के लोगों द्वारा धूमधाम से विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस मौके पर झारखंड के युवा आंदोलनकारी टाइगर जयराम महतो मुख्य अतिथि के रूप पधारे, जहां आदिवासियों के परंपरागत गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने कहा कि आज हम विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर बिशुनपुर पधारे, लेकिन हमें अफसोस है झारखंड राज्य जिस मकसद से अलग हुआ था उसका कोई मतलब नहीं। हम लोगों को 88 वर्ष आंदोलन करने के बाद मिला है। झारखंड अलग होने का मुख्य उद्देश्य था कि सर्वप्रथम यहां के आदिवासियों मूलवासी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, लेकिन आज यहां देखा जाए तो आदिवासी की पहचान, यहां की परंपरा नष्ट हो रही है। ऐसे में विश्व आदिवासी दिवस तभी सार्थक होगा जब हम सभी आदिवासी संगठित एवं संरक्षित होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों द्वारा गांव गांव जाकर जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है और अपने हक अधिकार को बस लाने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड राज्य में 5वीं अनुसूची होने के बाद भी क्रियान्वयन नहीं हो रही है और अतिक्रमण के माध्यम से अन्य राज्य के लोगों यह रहने और बसने का काम कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ के मूल आदिवासियों का हक अधिकार को ढकने का काम किया जा रहा है, जिसे यहाँ के आदिवासियों की पहचान एवं परंपरा विलुप्त होने के कगार पर है। लेकिन हम सभी लोगों को आज संगठित होने की जरूरत है, अपने रीति रिवाज एवं पहचान को बचाने का जरूरत है। सभी राज्यों में अपने अपने पहचान है, लेकिन हमारे झारखंड की पहचान को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है और हम सभी आदिवासियों एवं मूलवासियों को संगठित होकर अपने पहचान को बचाना है। अभी जाकर हमको अपना हक अधिकार मिलेगा। इस मौके पर दीपक महतो, मोतीलाल महतो, दिनेश उराव, शशि भूषण भगत, पंचम एक्का, सतीश उराव, जनार्दन टाना भगत, संतोष कुमार टाना भगत, शेखर उराव सहित कई लोग उपस्थित हुए। झारखंड अलग राज्य का जो निर्माण हुआ था वो पहला अधिकार आदिवासी के लिए बना है ये राज्य। लेकिन आज भी राज्य सरकार की जो नीतियाँ बन रही है लगातार यहाँ के लोग हास्य में रखा जा रहा है। 5वीं अनुसूची हमारे यहाँ राज्य में होने के बावजूद क्रियान्वयन नहीं हो रही है, इस कारण आज अतिक्रमण के माध्यम से लगातार अन्य राज्यों के लोग यहाँ बसबसाव कर रहे हैं और इससे क्या हो रहा है कि एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ शिफ्ट हो जा रही है और यहाँ के जो लोग हैं यहाँ के मूल आदिवासी लोग हैं उनके हक अधिकार को हाल लेने का काम कर रही है। तो ऐसे में परिस्थिति और प्रश्न यही खड़ा होता है कि जब सभी राज्यों की अपनी अपनी पहचान है, परंपरा है, तो फिर हमारी राज्य की पहचान क्या है? और जब हमारी पहचान बनेगी तभी हम अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी परंपरा को संरक्षित कर सकते हैं। और साथ में सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि व्यक्ति तभी जीवंत होगा जब उसकी भाषा और संस्कृति जीवंत होगी, अपनी भाषा और संस्कृति के साथ जीवंत रहे। पुनः देशवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज विश्व आदिवासी दिवस है, आदिवासी जंगल यहाँ के साथ हम पर जिसका पहला अधिकार हो उसे आदिवासी कहा जाता है। लेकिन आज बढ़कर कुछ नहीं होता, आजादी से बढ़कर कुछ नहीं होता है, याद रखिएगा। भले उस तोता को सुंदर सुंदर भोजन मिल सकता है, रहने के लिए सोना का पिंजरा मिल सकता है, लेकिन है तो पिंजरा ना, है तो बंधन ना। क्या हम बंधन में रहने वाले हैं? नहीं, हम दुनिया के राड सभ्यता राड माटी के राड लोग हैं, हम बंधन में कैसे बंधे? हमने दुनिया को दिखाया है, हमने दुनिया को जीना सिखाया है, हमने दुनिया को एक सभ्यता दिया है। आज आप कहीं देखिएगा, हर समाज के लोग लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन आदिवासी लोग कभी बेमतलब की लड़ाई नहीं लड़ते। वो लड़ाई तभी लड़ते हैं जब जल जमीन जंगल पर संकट आता है। इसलिए आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज यहाँ पर उपस्थित जितने भी आदिवासी मूलवासी समाज के लोग आए हैं, उन्हें पैक कर आज चिंतन करना होगा कि झारखंड राज्य किसके लिए बना है। इस झारखंड राज्य में कौन लोग यहाँ के मूलवासी हैं, कौन यहाँ के निवासी हैं, इसकी पहचान आज सरकार को करनी होगी। पता है ना, ये राज्य कभी मध्य प्रदेश में था, ये छत्तीसगढ़ राज्य कभी मध्य प्रदेश में था। जब वो छत्तीसगढ़ अलग हुआ कोई झगड़ा नहीं, कोई आंदोलन नहीं, उन्होंने मांगा कि हमको अलग जगह दीजिए, उन्होंने अलग दे दिया। लेकिन हम लोग कहाँ थे? बिहार में, है ना। हमने 88 साल लड़ाई लड़ा है, हमको मांगने से नहीं मिला है।
अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।